मुस्तफा ने सर कटाया था, अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था। ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था, ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था, ये सच है करबला का मार का जब पेश आया था। वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, बताता हूँ। अली बुने हुसैन पाक का किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहले उनकी पैदाइश का शहर जिक्र करता हूँ। रिवायत मोतबर की राह से लोगों गुजरता हूँ। जनाबे हजरत उस्मान गनी जब के खलीफा थे, उन्हीं के जेरे साया उन दिनों अहले मदीना थे। हुई ईरान की जब जंग तो ईमान वालों को खुदा ने कामयाबी की अता रोशन ख्यालों को। मिला माले गनीमत बाखुशी घर को चले आए, हुई कुछ औरतें भी साथ में लाए। उन्हीं में बादशाह ईरान की एक साहबजादी थी, निहायत खूबसूरत थी जमी उसकी चमकती थी। हुआ माले गनीमत जिस घड़ी तकसीम तो देखा, झुकाए सर ये बैठी थी बड़ा गमगीन था चेहरा। खलीफा ने ये पूछा कौन है तू, उनको बतलाया ये दुख्तर है शहंशाह की शहरजहां नाम है इसका। शहरबानों का फरमाया गरचे शाहजादी हो, शहंशाह के घराने ही में बेटी तेरी शादी हो। हुसैन बुने अली को दे दिया आजाद फरमाया, हुसैन बुने अली को दे दिया आजाद फरमाया, हुसैन बुने अली को दे दिया आजाद फरमाया। निकाह फिर शहरबानों का हुआ दिल शाद फरमाया, निकाह फिर शहरबानों का हुआ दिल शाद फरमाया, निकाह फिर शहरबानों का हुआ दिल शाद फरमाया। खलीफा ने शहरबानों की पेशानी को देखा था, जबी में अक्से जैनुल आबिदी उनको चमकता था। खुदा ने किया था औलाद खुशियों के हुए साए, अली अकबर बड़े थे आप भी तशरीफ ले आए। अली था नाम हजरत का बहुत से और लकब पाए, इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। मदीने की फिजाए नूर
बचपन गुजरता था, हर एक जानिब से उन पर प्यार का सावन बरसता था। जवानी में कदम रखा न था ये इनकलाब आया, के दश्ते करबला जाना पड़ा वक्त खराब आया। हुसैन इब्ने अली को कूफियों ने ही बुलाया था, बुलाकर आले अहमद पर उन्होंने जुल्म उठाया था। लगाया नहर पर पहरा न एक कतरा दिया उनको, ये की मेहमान नवाजी प्यास से तड़पा दिया उनको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे बीमार लागर थे, जफाओ जुल्म के बादल बरसते उनके सर पर थे। शहादत आपने मैदान में हर एक की देखी थी, अली अकबर की दश्ते खाक में शामिल जवानी थी। वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था, वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था, वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था। उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था, उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था, उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था। हजरते अब्बास की आबिद ने देखी थी, नजर के सामने कासिम की कुर्बानी मचलती थी। तड़पते आपने नन्ने अली असगर को देखा था, गले कटवाए थे ओनो मोहम्मद ने ये सदमा था। अली अकबर के टुकड़े देख के दिल तिल मिलाया था, लगे थे जख्म दिल पर बेपनाह ना चैन पाया था। सहे हैं ज़ैनुल आबिदीन ने दुख इस कदर लोगों के, लाशे करबला में देख कर टूटी कमर लोगों। हुसैन इब्ने अली जाने लगे जब सर कटाने को, तो सोचा ज़ैनुल आबिदीन ने उनको बचाने को। बहे आंखों से आंसू जोश आया उठ गए फौरन, चले और बाप की खिदमत में वो हाजिर हुए फौरन। कहा बाबा न जाओ मुझको ये दुनिया सताएगी, मैं घर रह जाऊंगा खेमे में तो ताने सुनाएगी। करो आराम मैं जाता हूं ये मेरा इरादा है, शहादत तो मुझको मिल जाए यही मेरी तमन्ना है। हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे, हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे, हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे। जमीनों आसुमा भी सोग में पल के भिगोते थे, जमीनों आसुमा भी सोग में पल के भिगोते थे, जुदा होगा चलेगी नस्ल
जैसे सैयदों की ये बुरा होगा। रहो जिंदा करो ना इस घड़ी आहो फुगा बेटे, जमाने को सुनाना करबला की दास्तां बेटे। हुए शब्बीर भी कुर्बान शहादत की खबर आई, जो देखी लाश वालिद आंख में सुर्खी उतर आई। निकाहत की वजह से पैर उनके डगमगाते थे, खुदाए पाक को रो रो के गम अपना सुनाते थे। लुटे खेमे रिदा छीनी गई सैदानियों की, फिर उभर आई शकादत इस तरह से कूफियों की। फिर मुकैद कर लिया सबको फने शमशीर से बांधा, जनाबे हजरत सज्जाद को जंजीर से बांधा। सितम सहते हुए ये काफिला तैबा चला आया, सुना जिस शख्स ने उस पर कभी रंजो आलम छाया। समंदर गम का ज़ैनुल आबिदीन सीने मिलाए थे, लुटा कर करबला में सब पलट कर आप आए थे। गए रोजे पे नाना के सुनाया हाल रो रो कर, यूं ही रोते रहे जाली पकड़ कर सरबखम होकर। कहा नाना मुझे दामाने शफकत में छुपा लीजिए, खाता है कलेजे से लगा लीजिए। मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए, मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए। शीनी के लिए तकरार थोड़ा सा, मोहम्मद हनफिया आए ये थे सज्जाद के चाचा। हुसैन बुने अली का जानशी हूं मैं दहन खोला, बहुत मौजूद थे सबने सुना था ये बयान उनका। इमामे वक्त हूं मैं तुम भतीजे मुझसे छोटे हो, ये सब सच है हुसैन बुने अली के आप बेटे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुनकर कहा हजरत बनो तुम शौक से पर शर्फिये मुझको मिला हजरत। जमीने करबला में वक्त एक ऐसा भी आया था कि अपना जानशी बाबा ने मुझको ही बनाया था। बड़ी तकरार तो कहने लगे हम दोनों जाते हैं, किसी से फैसला इस बात का चाचा कराते हैं। सुना जिसने भी बोला इससे पहले सर कटाएंगे, नबी के घर का हरगिज फैसला हम कर ना पाएंगे। कहा फिर ज़ैनुल आबिदीन ने काबे में चलते हैं, ये सारी बात जाकर सामने अस्वद के रखते हैं। करेगा हजरे अस्वद फैसला जो उसको मानेंगे, वही बस जानशी होगा इमाम उसको ही जानेंगे। मोहम्मद हनफिया अस्वद से बोले जानशी हूँ मैं, मोहम्मद हनफिया अस्वद से बोले जानशी हूँ मैं, मोहम्मद हनफिया अस्वद से बोले जानशी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं, इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं।
ना बोला हजरे अस्वद देर तक सकता रहा उन पर बड़े फिर आगे जैनुल आबिदी एक कैफ था उन पर कहा अस्वद से जाकर सच बता मैं कौन हूँ प्यारे तो ये आवाज आई तुम पे जहाँ तक वार दूँ प्यारे नवासे हो मोहम्मद मुस्तफा के आले अतहर हो इमामे वक्त हो और जानशीने बुने हैदर हो अली बुने हुसैन पाक की ये एक करामत है बहुत सी और करामत की किताबों में दलालत है वो करके याद किस्सा करबला का खूब रोते थे कभी होता था ये होशो खिरद अपने वो खोते थे किसी ने बादे करबल आपको हंसते नहीं देखा खुशी का कोई लम्हा आपके आगे नहीं देखा दुकान पर एक कसाई गोश्त के टुकड़े बनाता था अली बुने हुसैन आए तो वो उसको छुपाता था किसी ने ये कहा क्यों गोश्त कपड़े से छुपाते हैं कसाई बोला देखो हजरत सज्जाद आते हैं वो जब जब गोश्त कटता देखते हैं तो तड़पते हैं शहीदे करबला को याद करते हैं मचलते हैं वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था चले जाते थे बस रोते हुए नामे खुदा लेकर यूं ही कटते थे दिन सब्र रजा का आसरा लेकर ना हंसते थे कभी ना पेट भर खाना वो खाते थे शहीदों के गमों में जिंदगी अपनी बिताते थे कोई गर जानवर करता ज़िबाह जब देखते थे वो इसे पानी पिलाया है ये अक्सर पूछते थे वो तो कहते लोग चारा दे दिया पानी पिलाया है जो दस्तूरे शरीयत है उसे हमने निभाया है ये सुनकर आंख उनकी अश्क का दरिया बहाती थी शहीदे करबला की प्यास उनको याद आती थी ज़िबह करने से पहले जानवर को पानी देते हैं हमारे भाइयों को प्यासा काटा जुल्म कैसे हैं हुआ था खुश्क पानी आंख का खून निकलता था नजर में खूनी मंजर करबला का रुख बदलता था खिलाफत थी उमैया आज भी वो जुल्म होते थे जो बेबस मुफलिस लाचार थे किस्मत को रोते थे था एक अब्दुल मलिक मरवान का बेटा ये चाहता था खिलाफत है हमारी मेरी इज्जत हो ये कहता था खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ले अतहर को खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ले अतहर को खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ले अतहर को सभी देते थे
थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को, सभी देते थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को। हसद रखता था जैनुल आबिदी से दिल में घुटता था, गया अब्दे मलिक हज करने वो हज का जमाना था, ये चाहा हजरे अस्वद चूम लूं सुको लगा धक्का, गिरा बाहर वो आकर ऐसा लोगों ने दिया धक्का, फिर आए जैनुल आबिदीन सब तजीम करते थे, इमाम वक्त है आले नबी तस्लीम करते थे, सभी ने दे दिया रस्ता तभी सिफते मोहम्मद को, निकल आए हरम से चूम कर वो हजरे अस्वद को, कहा अब्दुल मलिक ने कौन है सब जानता था वो, मगर पूछा था फिर भी इसलिए जिल्लत ज़दा था वो, थे एक शायर वहां पर फर्ज़ो दक आए कहा सुन ले, है ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद बिनते फातिमा सुन ले, कराया कैद शायर को तभी उनकी गई राहत, दुआ की ज़ैनुल आबिदीन ने हासिल हुई राहत, जहर दिलवाया ज़ैनुल आबिदीन को उस सितमगर ने, था सन 95 हिजरी ये देखा था सभी घर ने, उठे एक रात बेटे से जरा सा पानी मंगवाया, वो पानी पी के हजरत ने जहां से कुछ फरमाया, निराला है मकाम अनवार उनकी शान आला है, निराला है मकाम अनवार उनकी शान आला है, निराला है मकाम अनवार उनकी शान आला है, जो है उनकी गुलामी में बड़ी तकदीर वाला है, जो है उनकी गुलामी में बड़ी तकदीर वाला है, करते हैं जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं, जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं, हुसैन बुने अली अनवार दिल को शाद करते हैं, हुसैन बुने अली अनवार दिल को शाद करते हैं, करते हैं जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं, जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं, जो उनको याद कर ले उसकी वो इमदाद करते हैं।
सुंदर लाल नामी शख्स रहता था। बड़ा जीरक तजर्बेकार था, कुछ दुख भी सहता था। बुलंदी पर था कारोबार, शब दिन धन बरसता था। बड़ी दौलत थी पर औलाद की खातिर तरसता था। हसीनों में जबी बीवी थी, तानाई का क्या कहना। रुखे आरिज कदो कामत की जेबाई का क्या कहना। कभी मायूसी सुंदर लाल को जब घेर लेती थी, तो दिल मोह लेने वाली बात से तस्कीन देती थी। कहा करती थी ना हक, खून क्यों अपना जलाते हो। है बस औलाद तो कुदरत का अतिया क्यों भुलाते हो। चरागे नाम जल उठेगा जब मालिक वो चाहेगा। हुई कृपा जो उसकी देखना वो दिन भी आएगा। जगत का है वो पालनहार, ना महरूम रखेगा। खिलेगी आरजुओं की कली, मसरूर कर देगा। हसी बातों से जिस दम बूंद शबनम की टपकती थी, दहकती थी जो दिल में आग वो फौरन ही बुझती थी। न था कुछ मुख्तलिफ बीवी कभी वो हाल शौहर से। वो थी वीरान महफिल की शमा, दुख था मुकद्दर से। गरज औलाद की ख्वाहिश में वो दोनों तड़पते थे। गरज औलाद की ख्वाहिश में वो दोनों तड़पते थे। गरज औलाद की ख्वाहिश में वो दोनों तड़पते थे। कठिन थी मंजिलें पुरदर्द राहों से गुजरते थे। कठिन थी मंजिलें पुरदर्द राहों से गुजरते थे। कठिन थी मंजिलें पुरदर्द राहों से गुजरते थे। मुहर्रम का था वो पुरसोज मौसम, भीगी पलकें थी। शहीदाने वफा की याद में आंखें बरसती थी। लगी दीवार सुंदर लाल से थी एक मुसलमा की। थे वो सैयद शरीफ है ये हकीकत उनके ईमां की। यकी शोहदा की रूहानी तवानाई पे रखते थे। मुनक्किद एक महफिल हर बरस वो घर पे करते थे। मुअज्जिज और आशिकाने अहले बैत आते थे। वो इन अरवाह तैयबात को शरबत पिलाते थे। मगर ये दस मुहर्रम और सालों से जुदा पाई। सुबह से शाम तक दर से फकीरों ने अता पाई। था उनका तीन माह का लाल पैसों से वजन करके। लुटाते थे फकीरों पर वो पैसा दिल मगन करके। तफ्तीश की खातिर जो सुंदर लाल की बीवी, जो पूछी खैरियत तो खुश शरीफ अहमद की थी बीवी। कहा ऐ बहन मैंने आज ये क्या माजरा देखा।
सुबह से दर पे मिसकीनों का एक मजमा लगा देखा। शरीफ अहमद की बीवी ने कहा कि 10 मुहर्रम है, हमारे घर में ये जिक्र शहीदाने मुअज्जम है। वजन पैसों से नन्हे को किया खैरात करते थे, हुसैन बुने अली की चाहतों के दम को भरते थे। वो है फर्जंद जहरा और मोहम्मद के नवासे हैं, वो है फर्जंद जहरा और मोहम्मद के नवासे हैं, वो है फर्जंद जहरा और मोहम्मद के नवासे हैं। जो इनामात हैं हम पर वो सब उनकी दुआ से है, अगर छोड़ो तुम्हारी अक्ल से बाहर कहानी है, समझ में आ नहीं सकती है ये ऐसी निशानी है। उजर सुनकर कहा मैं और भी मुश्ताक हूँ प्यारी, सुनाओ दास्तां अपनी दुआएं तुमको दूं शरीफ अहमद की बीवी ने सुनाया वाकया अपना। पता है आपको दौलत से घर तो है भरा अपना, ये धन दौलत भला किस काम का औलाद ही ना हो, है बेमकसद ये इज्जत शोहरतें दिलशाद ही ना हो। मालूम है परसों से मेरी गोद खाली थी, किया करती थी मातम हर घड़ी हसरत मलाली थी। मुहर्रम की थी 10 तारीख मैंने रोजा रखा था, हुआ जब वक्त इफ्तारी ये मंजर मैंने देखा, ख्याल आया के बच्चे गोद में होते न धन होता, हमारे साथ में इफ्तार करते दिल मगन होता। बहाने लग गई फिर आंख अश्के गम परेशान थी, थकन रोजे की थी छाई हुई उस वक्त बेजान थी। यकायक मुँह से मेरे या हुसैन बुने अली निकला, मेरी नैया लगा दो पार ये लफ्ज़े जली निकला। तुम्हारे घर कमी है क्या जरा एहसान फरमा दो, तुम्हारे घर कमी है क्या जरा एहसान फरमा दो, तुम्हारे घर कमी है क्या जरा एहसान फरमा दो। नबी का वास्ता पूरा मेरा अरमान फरमा दो, नबी का वास्ता पूरा मेरा अरमान फरमा दो, नबी का वास्ता पूरा मेरा अरमान फरमा दो।
झटक से टूट के तारा गिरा फिर गोद में मेरी। शहीदों की दुआ ने कर लिया घर गोद में मेरी। हुए जब 9 महीने ख्वाब की ताबीर ये देखी, हुआ नन्हा हमारा रिफ़ते शब्बीर ये देखी। उन्हीं के नाम पे खैरात की नन्हा वजन करके, सुना जब वाकया रोने लगी वो आह भर भर के। सबब पूछा तो बोली बस यही हालत हमारी है, हुआ शादी को अरसा अब तलक ये गोद खाली है। मगर मैं हिंदू औरत हूँ भला क्यों कर सुनेंगे वो, मैं इस काबिल नहीं हरगिज मेरी झोली भरेंगे वो। शरीफ अहमद की बीवी ने तसल्ली दी कहा देखो है उनके नाना रहमत कुल जहां की याद तुम देखो। अकीदत से कहो खाली नहीं लौटाएंगे तुमको, सुनेंगे आपकी फरियाद खुश फरमाएंगे तुमको। धर्म हर किस नहीं वो देखते दुख देखते हैं वो, जो उनको याद करते हैं मदद को पहुंचते हैं वो। लगाई लो शहीदे करबला से अर्ज किया का, तमन्ना मेरी पर आए मिली है तीर गिया का। कहा सागर में गम के मेरी किस्मत का सितारा है, कहा सागर में गम के मेरी किस्मत का सितारा है, कहा सागर में गम के मेरी किस्मत का सितारा है। तुम्हारे घर की है जो रीत उस पे हक हमारा है, तुम्हारे घर की है जो रीत उस पे हक हमारा है, तुम्हारे घर की है जो रीत उस पे हक हमारा है। अकीदे की डगर पे जिंदगी का कारवां उसका, यूं ही बढ़ता गया एक रोज महका गुलसिता उसका। वो हामिल थी किसी अब मरकज़े ख्वाहिश की किस्मत से, हमल का हाल शौहर से कहा उसने मोहब्बत से। यकीन उसको न आता था कसम खाकर बताती थी, दिले तारीख में खुशियों की शम्मा जगमगाती थी। हुई तस्दीक तो फिर सर निदामत से झुका उसका, रहा ना खुद पे काबू दीप चाहत का जला उसका। यकीन मुझको न था माफी अता हो करबला वाले, भला करते हो दुखियों का हो तुम जूदो सखा वाले। हुसैन इब्ने अली को याद करके दिन गुजरते थे, शरीफ
खुशी वो फाश करते थे, कभी कहते थे जाकर करबला उनके कदम चूमे, जो होते थे नबी के दोष पे वो पांव हम चूमे। वो दिन भी आ गया जिसकी उन्हें कब से तमन्ना थी, खुशी उन तक न थी महदूद अब अशहर जमाना थी। हुई एक चांद सी बेटी खुशी से दिल उछलता था, शहीदे करबला की याद में सर उनका झुकता था। खुशी से करबला वालों के दोनों गीत गाते थे, खुशी से करबला वालों के दोनों गीत गाते थे, खुशी से करबला वालों के दोनों गीत गाते थे। फकीरों और मसाकीनों पे वो दौलत लुटाते थे, फकीरों और मसाकीनों पे वो दौलत लुटाते थे, फकीरों और मसाकीनों पे वो दौलत लुटाते थे। बजी शहनाइयां घर में थे आए, मुसलमानों के गुण देखे बहुत से लौट के आए। न सुंदर लाल ने पूछी वजह ये उनके जाने की, खुशी में गर्क था परवाह न थी उसको जमाने की। खुशी से नाम लाला रख दिया वो खूबसूरत थी, ढली सांचे में थी वो हुस्न ज़ेबाई की मूरत थी। उसे जो देखता हैरान शशदर ही वो रहता था। उतर आई है जोहरा आसुमा से बस ये कहता था, हुई होशियार तो तालीम का था इंतजाम उसका। शबाबी मंजिलें आई हुआ मशहूर नाम उसका, शहर में हो रहे थे आज उसके हुस्न के चर्चे। मुजस्सम साहिरा है वो परीजादी है थे चर्चे, उसे माँ बाप घर से इसलिए जाने न देते थे, वो घर में औरतों को भी न अपने आने देते थे। वो खुद भी पर्दा करती थी बड़ी गयूर फितरत थी, सरापा देख के शीशे में रोती थी बागैरत थी। वो मलका अदा ओ नाज की मसरूर आदत थी, शहीद करबला से गायबाना उसको उल्फत थी। मुहर्रम में शरीफ अहमद के घर जब बज्म होती थी, सुना करती थी लाला जिक्र करबल खूब रोती थी। चमन की सारी शादाबी सिमट आती थी महफिल में, चमन की सारी शादाबी सिमट आती थी महफिल में, चमन की सारी शादाबी सिमट आती थी महफिल में। हरे कपड़े पहन के जिस घड़ी जाती थी महफिल में, हरे कपड़े पहन के जिस घड़ी जाती थी महफिल में, पहन के जिस घड़ी जाती थी महफिल में।
आने लगे पैगाम जागीरों के बेटों के, मगर थे वो सभी पैगाम बस मतलब परस्तों के। सुना एक नौजवान ने जिक्र जिस दम हुस्न लाला का, चढ़ा सर उसके फौरन भूत ऐसा इश्क बाला का, जपा करता था माला बात ना दिल से निकलती थी, न दिन को चैन था गिन गिन के तारे रात कटती थी, बजाते खुद था ये एक राजपूताली घराने का, इरादा कर लिया इस शख्स ने लाला को पाने का। कवि है कल थे कुछ गुंडे वो अपने साथ रखता था, वो आए दिन ख्वातीनों पे अपना हाथ रखता था, था वो माँ बाप का इकलौता बेटा सब रियासत में, बड़ा जिद्दी घमंडी और था सरशार दौलत में, कहा माँ से तो बोली खून क्यों अपना जलाता है, मैं उठवा लूंगी डोली किस लिए आंसू बहाता है, भला ये उसकी हिम्मत वो मेरा पैगाम ठुकराए, बड़ा ही कम अकल होगा जो ये इनाम ठुकराए, दिया पैगाम सुंदर लाल ने इनकार फरमाया, गिनाई खामियां बेटे की और बेदार फरमाया। सुना लड़के ने बोला खाक में अरमान दे दूंगा, सुना लड़के ने बोला खाक में अरमान दे दूंगा, सुना लड़के ने बोला खाक में अरमान दे दूंगा, न मिल पाई जो लाला जहर खा कर जान दे दूंगा, ना मिल पाई जो लाला जहर खा कर जान दे दूंगा, ना मिल पाई जो लाला जहर खा कर जान दे दूंगा। खलिश इतनी बड़ी जिगर दूंगा, बनी वो गैर की दुल्हन तो उसको कत्ल कर दूंगा, फना कर दूंगा मैं उसके पति को जग से तरसेगा, बारात आएगी जिस दिन आसमां से खून बरसेगा, कहा लाला से माने लाल दस्तूरे जमाना है, पराया धन है बेटी छोड़ के माँ बाप जाना है, तेरी शादी में करना चाहती हूँ क्या इरादा है, तो शर्मा कर वो बोली बस मेरी इतनी तमन्ना है, मेरा बर पारसा हो बाहया हो चांद जैसा हो, के जिसने गैर औरत को नजर भर के न देखा हो, गए लाला के बाबूजी कई शहरों में फिर देखा, बहुत गांवों की छानी खाक और हर एक नगर देखा, जिसे भी शर्त वो सर को झुकाता था, ये नामुमकिन है पर ऐसा मिले उनको बताता था, खबर पाई ये नूरुद्दीन नामी गांव बस
बसता है तुम्हारी शर्त के रुतबे पे फाइज एक लड़का है। किसी पहुंचे हुए बाबा की है सोहबत मिली उसको, नहीं है बाप एक माँ है न कुछ दौलत मिली उसको। हसी है जरगरी का फन है उसकी याद ऐसा है। किसी भी शख्स ने घर से उसे बाहर न देखा है। किसी भी गैर औरत को कभी देखा नहीं उसने, किसी भी गैर औरत को कभी देखा नहीं उसने, किसी भी गैर औरत को कभी देखा नहीं उसने। बहारे जिंदगी के वास्ते सोचा नहीं उसने, बहारे जिंदगी के वास्ते सोचा नहीं उसने, बहारे जिंदगी के वास्ते सोचा नहीं उसने। वो माहरू दुल्हन हया से झुक गई पलके, जो देखी मांग में सिंदूर की लाली उठी पलके। नकाबे रुख उठाए उस घड़ी ये किसकी जुर्रत थी, फकत सैयद शरीफ अहमद की बीवी को इजाजत थी। उसे देखा तो छाया कैफ सा सैयद की बीवी पर, परी उतरी थी कोई आसमां से खाके गेती पर। लकीरें काली आंखों में बदन पर सुर्ख जोड़ा था, शहर की मैलकाएं थी जो सबने होश छोड़ा था। हुई रुखसत वो घर से जब चराहों की कतारों में, लगा ऐसा खिजा आई है गुलशन की बहारों में। खबर जब राजपूत उस लड़के ने पाई चढ़े तेवर, चला कुछ गुंडे लेकर साथ बा अशरार थे तेवर। उन्हें रस्ते में घेरा पालकी जंगल में ले आए, सभी बाराती डर कर भाग निकले घर चले आए। चले दूल्हा को जिस दम कत्ल करने तेज खंजर से, तो लाला बोली पहले मार दो तुम मुझको शौहर से। पति का खून कैसे देख पाऊंगी सदा निकली, उठी तलवार तो लाला के होठों से दुआ निकली। कहा लाला ने रोकर देवता मुझको संभालो जी, कहा लाला ने रोकर देवता मुझको संभालो जी, कहा लाला ने रोकर देवता मुझको संभालो जी। हुसैन इब्ने अली आकर मेरी लज्जा बचा लो जी, हुसैन इब्ने अली आकर मेरी लज्जा बचा लो जी, हुसैन इब्ने अली आकर मेरी लज्जा बचा लो जी।
जब याद शाहे करबला को आंख भर आई, फिजा में एक बिजली कौंधती उसको नजर आई। कड़क देखी तो आंखें बंद हुई महसूस करती थी, हवा सहमी हुई थी जिस घड़ी तलवार चलती थी। सिंहासन करबला का छोड़ के आए मदद करने, सिला उल्फत का देने चश्मे उम्मीद को भरने। खुली जब आंख पंधरा लाश खाको खून में तरती, सुकून हासिल हुआ था हालतें दोनों की बेहतर थी। पति के साथ फौरन गिर गई सजदे में खुश होकर, अदा वो शुक्रिया करते रहे हजरत करो रो कर। हुआ दिल उनका मोमिन पढ़ लिया कलमा करार आया, खबर जिस जिसने पाई दौड़ता वो अश्क बार आया। शरीफ अहमद को लेकर साथ सुंदर लाल जब आए, उन्हें देखा सही सालिम तो शुक्रे रब बजा लाए। उधर दूल्हे की माँ आई गई कुछ औरतें मिलकर, उन्हें देखा जवां थी दिल के गुलशन में कली खिलकर। सुनाई दास्तां लालान सब हैरान होते थे, नबी का कलमा पढ़कर साहिबे ईमान होते थे। वो गुन गाते हुए सब करबला वालों का घर आए, उधर हुजला उरूसी में कमर दो दो नजर आए। शहीदाने वफा जिंदा है ये कुरान कहता है, शहीदाने वफा जिंदा है ये कुरान कहता है, शहीदाने वफा जिंदा है ये कुरान कहता है। मदद करते हैं वो अनवार ये ईमान कहता है, मदद करते हैं वो अनवार ये ईमान कहता है, मदद करते हैं वो अनवार ये ईमान कहता है, मदद करते हैं वो अनवार ये ईमान कहता है। मंजर की हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की, हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की। शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की। शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की। कायनात का सीना दहलता था,
हिली दीवार काबे की फिजा से शोर उठता था। फलक ने खून बरसाया, जमी थर्रा गई उस दम। कलेजा फट गया सकते में, फौरन आ गई उस दम। छुपाया शर्म से मुंह, शम्स ने कुदसी तड़पते थे। शहादत पाके दुनिया से खुदा वाले बिछड़ते थे। ये रूहें आलमे बाला में जब पहुंची तो गुल उठा। थी हूरे मुस्तरिब, हर आसुमा वाला मचल उठा। इधर खेमों में आले मुस्तफा के आग जलती थी। नशे मन सब्र का जलने लगा, आतिश उछलती थी। यतीमों सोगवारों की फुगा से थी हवा बेकल। जिसे देखा नजर भर के वही उस दम मिला बेकल। पड़े थे फूल मुरझाए हुए गुलजारे आका के। वो बेगोरो कफन थे अब तलक फरजंद जहरा के। हुसैन पाक का सर काट के घोड़ों को दौड़ाया। हुसैन पाक का सर काट के घोड़ों को दौड़ाया। हुसैन पाक का सर काट के घोड़ों को दौड़ाया। हुई फिर टुकड़े टुकड़े लाश वो ऐसा सितम ढाया। हुई फिर टुकड़े टुकड़े लाश वो ऐसा सितम ढाया। हुई फिर टुकड़े टुकड़े लाश वो ऐसा सितम ढाया। रिदाएं छीन ली सैदानियों की उन लईनों ने। सरे शब्बीर ने जे पर चढ़ाया कम नसीबों ने। इमामे पाक का सर जिस घड़ी ने जे पे चढ़ता था। लबों पर मुस्कुराहट थी कुराने पाक पढ़ता था। लहू से तरती मक्तल की जमी सुख को तरसती थी। नबी की आल पे एक दर्दनाक हसरत बरसती थी। सदाएं सिसकियों की आ रही थी उनके खेमों से। रहम की भीख पर मांगी नहीं कूफी खबीसों से। धुआं उठता था आहों का, तड़प कर रात काटी थी। शहरबानों ने ज़ैनब ने गमों की बात बाटी थी। इधर कर्रा रहे थे हजरत आबिद भी शिद्दत से। उठा जाता न था बीमार, ऐसे थे नकाहत से। यजीदी फौज में था जश्न का माहौल, हंसते थे। सितारे शर्म से एक दूसरे के मुंह को तकते थे। बड़ी मुश्किल से गुजरी रात वो वक्त सहर आया। बड़ी मुश्किल से गुजरी रात वो वक्त सहर आया। बड़ी मुश्किल से गुजरी सफर आया। उमर इब्ने साद लेकर सिपाही फिर इधर आया। उमर इब्ने साद लेकर सिपाही फिर इधर आया। उमर इब्ने साद लेकर सिपाही फिर इधर आया। चढ़ाया ऊंट पर
पर ज़ैनब को और बीमार आबिद को। शहरबानों भी थी तकती रही गमखार आबिद को। उन्हें रस्सी से जकड़ा चल पड़े मरदूद वो लेकर। हुसैन इब्ने अली का सर चढ़ा था नोके नेजा पर। अमीरा ने हरम के ऊंट आगे आगे जाते थे। बचे जो ऊंट अहले बैत के वो पीछे आते थे। मुखातिब करके ज़ैनब ने कहा नाना खबर लीजिए। रहे साबित कदम हर इम्तहा में हम दुआ कीजिए। पड़ा है लाडला नाना तुम्हारा दस्त करबल में। हुई है लाश टुकड़े दो सहारा दस्त करबल में। है खाको खून में आलू तुरे किस्तान में घर है। तने अत हर कोना गोरो कफन उसके मयसर है। तुम्हारी कत्ल औलादें यहाँ कर दी गई आका। हवाएं डालती हैं खाक कोई है नहीं आका। यतीमों की सुनो तशरीफ ले आओ मदीने से। यतीमों की सुनो तशरीफ ले आओ मदीने से। यतीमों की सुनो तशरीफ ले आओ मदीने से। तुम्हारी बेटियां हैं कैद आ जाओ मदीने से। तुम्हारी बेटियां हैं कैद आ जाओ मदीने से। तुम्हारी बेटियां हैं कैद आ जाओ मदीने से। लाशें थी सब बिखरी हुई मैदान के अंदर। शहीदों के बदन पर पड़ रही थी खाक उड़ उड़ कर। था वो मैदान चटियल दूर तक साया न मिलता था। उठाए तन शहीदों के वहां कोई ना ऐसा था। सभी लाशें थी बेसर हालतें देखी न जाती थी। हवाएं गमजदा थी सोग शोहदा का मनाती थी। मोहम्मद मुस्तफा के फूल मुरझाए पड़े थे सब। नबी के दीन की खातिर यहाँ कुर्बान हुए थे सब। खिजा के दायरे में गुलशन जहरा के गुल आए। खुदा के नाम पर सबने खुशी से सर थे कटवाए। कहीं बाजू किसी का था कहीं घुटना किसी का था। किसी का धड़ कहीं था और कहीं पहुंचा किसी का था। बड़ी अबतर थी हालत करबला के सब शहीदों की। हुई बेहुर्मती अल्लाह हरे रोशन जमीरों की। शहीदों को दफन किसने किया ए मेहरबान सुनिए। शहीदों को दफन किसने किया ए मेहरबान सुनिए। शहीदों को दफन किसने किया ए मेहरबान सुनिए। मिलेगी ताजगी ईमान को आगे बयां सुनिए। मिलेगी ताजगी ईमान को आगे बयां सुनिए। मिलेगी ताजगी ईमान को आगे बयां सुनिए। Oh, oh, oh.
यजीदी फौज का दरिया किनारे से खबर अतराफ में पहुंची ये आहट के सहारे से। कबीला पास ही ठहरा था, एक बेहद परेशान था, कई दिन से था पानी बंद, उसका हाल बेजा था। नहर से पानी लाकर औरतें खाना पकाती थी, सहर को शाम को हर रोज ही वो आती जाती थी। खड़ी थी फौज 10 दिन से यूं ही दरिया के साहिल पर, परिंदे जानवर भी जा नहीं पाते थे साहिल पर। कलेजे कांपते थे औरतों के वो न जाती थी, यजीदी कूफियों का डर था वो पानी न लाती थी। अजब सा खौफ था छाया हुआ, सब सहमे सहमे थे, कबीले में सभी के प्यास से बच्चे तड़पते थे। हटा पहरा खुशी हासिल हुई, फिर जामे जा आई तो पानी लेने की खातिर हर एक औरत यहाँ आई। जमीने करबला की राह से जिस दम गुजरती थी, जमीने करबला की राह से जिस दम गुजरती थी, जमीने करबला की राह से जिस दम गुजरती थी, तो आपस में नबी की आल का वो जिक्र करती थी, तो आपस में नबी की आल का वो जिक्र करती थी, तो आपस में नबी की आल का वो जिक्र करती थी। यहाँ पर सरवरे कौनैन के फर्जंद आए थे, वो अपनी औरतें बच्चे भी अपने साथ लाए थे। यजीदी फौज ने घेरा उन्हें और कत्ल कर डाला, उन्हीं की लाशें हैं शायद पड़ी, कैसा गजब ढाया। चलो हम देख लें चल कर के कैसा हाल है उनका, गई सब औरतें मैदान करबल में उन्हें देखा। पड़े थे बेसरो सामान नबी के खानदान वाले, सभी थे फूल मुरझाए महकते गुलसिता वाले। हाँ वो तारीख थी 13 मुहर्रम पीर का दिन था, कबीले में गई वो औरतें थोड़ा चढ़ा दिन था। उन्होंने मर्द फिर सारे कबीले के जमा करके सुनाया हाल नस्ले मुस्तफा का आह भर भर के। कहा रो रो के हमने अपनी इन आंखों से देखा है, वहां बेसर पड़ा हर एक मोहम्मद का नवासा है। यजीदी फौज ने शायद सभी के सर उड़ाए हैं, यजीदी फौज ने शायद सभी के सर उड़ाए हैं, यजीदी फौज ने शायद सभी के सर उड़ाए हैं, के कूफी शामियों ने भी मजालिम खूब ढाए हैं, कूफी शामियों ने मजालिम खूब ढाए हैं, ये कूफी शामियों ने भी मजालिम खूब ढाए हैं।
तदफीन हम करते हैं उनकी अजर पाएंगे। कयामत में नबी पाक हमको बख्शवाएंगे। सुना मर्दों ने तो कहने लगे हर किस न जाएंगे, यजीदी फौज के हाथों से हम भी जा गवाएंगे। हुसैन इब्ने अली की देखो ये दुश्मन हुकूमत है, यहाँ दम मारने की भी भला किसको इजाजत है। उन्हें जाकर उठाए हम कोई फितना ना हो जाए, यजीद अपना भी हो दुश्मन कहीं ऐसा ना हो जाए। कहा उन औरतों ने क्यों तुम्हें खौफे हुकूमत है, नबी का कलमा पढ़ते हो बड़ी तुम सब पे लानत है। रसूल अल्लाह के हो उम्मती क्यों मुंह छुपाते हो, नहीं है खौफ महशर जालिमों से खौफ खाते हो। ये लो तुम चूड़ियां पहनो अभी मैदान में जाते हैं, दफन करते हैं हम जाकर सभी लाशें उठाते हैं। अगर उल्फतों में हम आले नबी की मारे जाएंगे, अगर उल्फत में हम आले नबी की मारे जाएंगे, अगर उल्फतों में हम आले नबी की मारे जाएंगे, कयामत में शफात सरवरे आलम की पाएंगे। कयामत में शफात सरवरे आलम की पाएंगे, कयामत में शफात सरवरे आलम की पाएंगे। मर्दों को गैरत ने झंझोड़ा आ गए आकर, बनाया एक गड्ढा करबला में बेखतर जाकर। हुआ एक मोजिजा मैदान में फिर एक सवार आया, उसे आता हुआ देखा तो दिल इन सब का घबराया। वो समझे ये यजीदी फौज का कोई सिपाही है, हमें लगता है अब ऐसा कि शामत अपनी आई है। सवार आया वो बोला मत डरो तुम सब का कायद हूँ, हुसैन इब्ने अली का लाल हूँ बीमार आबिद हूँ। बिछाई फिर अबा सरकार की बीमार आबिद ने, जमा करने लगे फिर उसमें बाबा जान के टुकड़े। अजू बिखरे हुए थे करबला में इब्ने हैदर के, जहां से जो अजू उनको मिला उसको उठा लाए। कहीं से बाजू हाथ आया कहीं घुटना मिला उनको, सभी आजा को बांधा बाप का गम खा गया उनको। जरा सी मिट्टी खोदी कब्र पहले से मुकम्मल थी, जरा सी मिट्टी खोदी कब्र पहले से मुकम्मल थी, जरा सी मिट्टी खोदी कब्र से मुकम्मल थी। दफन उसमें किया इब्ने अली को दिल में हलचल थी, दफन उसमें किया इब्ने अली को दिल में हलचल थी, दफन उसमें किया इब्ने अली को दिल में हलचल थी।
बनाई कब्र एक अकबर की और असगर भी दफनाए, जो थे बाकी शहीदाने वफा उन सबको ले आए। बनाया था जो गड्ढा औरतों ने उसमें दफनाया, नबी का लाल फिर दरिया के साहिल पर चला आया। वहां पर हजरते अब्बास के बाजू मिले उनको, तने अब्बास ने भी बेपनाह सदमे दिए उनको। बनाई कब्र फिर एक रूबरू शब्बीर के उनकी, उन्हें दफना दिया अपने सफर पर हो गए राही। गई वो औरतें और मर्द भी अपने कबीले में, शहीदों का अलम बरसों रहा उनके कबीले में। ये था वो वाकया बादे शहादत जो के गुजरा है, शहीदों को दफन किसने किया ये मैंने लिखा है। जमीने करबला से जो बशर अब भी गुजरते हैं, तड़प जाते हैं वो अल्लाह से फरियाद करते हैं। दुआ ये है खुदा से हर घड़ी अनवार महशर में, दुआ ये है खुदा से हर घड़ी अनवार महशर में, दुआ ये है खुदा से हर घड़ी अनवार महशर में। तवस्सुल से शहीदों के ओ बेड़ा पार महशर में, तवस्सुल से शहीदों के ओ बेड़ा पार महशर में, तवस्सुल से शहीदों के ओ बेड़ा पार महशर में, तवस्सुल से शहीदों के ओ बेड़ा पार महशर में। यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाकयात, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा। यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाकयात, यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाकयात, यौम आशूरा से वाबस्ता है जितने वाकयात। पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा, पेश करता है ये राशिद भी उसी के तज़किरा। को पैदा रब ने फरमाया, इसी दिन हजरत आदम को जन्नत में भी पहुंचाया। मिली आदम की तौबा को इसी दिन रब की मंजूरी, इसी दिन अश्क बरसाने की मुद्दत हो गई पूरी। इसी दिन अर्श कुर्सी आसमां और ये जमी देखो, किया तखलीक मेहरो माहो अंजुम खुल्द जन्नत को। खलीलुल्लाह इस दिन आलमे फानी में आए थे, बचाया आतशे नमरूद से भी उनको खालिक ने। इसी दिन हजरत मूसा की उम्मत को मिली राहत,
बचाकर कुफर से रब ने उन्हें बख्शी रहे जन्नत। इसी दिन गर्क दरिया में हुई थी कौमे फिरौनी, बना इबरत जमाने के लिए ये यौमे फिरौनी। हुई पैदाइशे ईसा इसी दिन शिकमे मरियम से, जिलाए थे जिन्होंने कुंबे इज़्निल्लाह से मुर्दे। इसी दिन आसमानों की तरफ उनको उठाया था, इसी दिन आसमानों की तरफ उनको उठाया था, इसी दिन आसमानों की तरफ उनको उठाया था। खुदा ने ये करिश्मा सारे आलम को दिखाया था, खुदा ने ये करिश्मा सारे आलम को दिखाया, उतारी कोहे जूदी पर। खुदाई शशदरो हैरान थी ये देख कर मंजर। इसी दिन हजरते याकूब की बीनाई आई थी, खुदा ने शान कुदरत सारी दुनिया को दिखाई थी। यकीन जाते खुदा पर था हमेशा हक बयानी की, उन्हें अल्लाह ने बख्शी थी नेमत शादुमानी की। इसी दिन हजरते यूसुफ कुएं से आए थे बाहर, मेहरबान उन पे था हर एक लम्हा दावरे महशर। इसी दिन तो सुलेमा को खुदा ने मुल्क बख्शा था, अजीम शान था जिसका बुलंदी पर सितारा था। इसी दिन तो जमी पर पहली बारिश भी हुई नाजिल, हुई सरसब्ज धरती खुश हुए अफसुरदा सारे दिल। रसूले पाक की उम्मत से अगली उम्मतों पर भी, इसी दिन का था रोजा दर हकीकत जारी ओ सारी। सफर से जब शबे मेराज के वापस हुजूर आए, सफर से जब शबे मेराज के वापस हुजूर आए, सफर से जब शबे मेराज के वापस हुजूर आए, हुए हैं मोमिनों पर फर्ज रोजे माह रमजान के, हुए हैं मोमिनों पर फर्ज रोजे माह रमजान के, हुए हैं मोमिनों पर फर्ज रोजे माह रमजान के। इब्ने हैदर ने नबी का दी बचाया है, शहीद अपने भतीजे और बेटों को कराया है। बकाए दी की खातिर अपने सर को भी कटाया है, यजीदी फौज का मंसूबा मिट्टी में मिलाया है। रसूले पाक ने अपने गुलामों से ये फरमाया, कयामत आएगी कब
साफ लफ्जों में ये समझाया, कहा तारीख होगी दस मुहर्रम के महीने की, के यौमे जुमा को दुनिया फना हो जाएगी सारी। खुदाए पाक से डरते रहो हर आन ऐ लोगो, बचा कर ले चलो दुनिया से तुम ईमान ऐ लोगो, यही हुक्म शहेदी है यही फरमान कुरआन का, फकत ईमान ही जामिन है हर जन्नत के मेहमान का। मोहब्बत को जो अहले बैत की दिल से लगाएंगे, यहाँ जो सीरते सरकार पर चलकर दिखाएंगे, जो अपनी जिंदगी शैतान की चालों से बचाएंगे, जो अपनी जिंदगी शैतान की चालों से बचाएंगे, जो अपनी जिंदगी शैतान की चालों से बचाएंगे, कसम अल्लाह की राशिद वही जन्नत में जाएंगे, कसम अल्लाह।